लड़ाई लोकसभा की है लेकिन नाक कश्मीर में लगाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कल ही ये कहा था कि कश्मीर में अलग पीएम होना चाहिए, वहां का अलग झंडा होना चाहिए। इस बयान को लेकर अब एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। तो कश्मीर से होने वाले हर हमले पर मोदी काउंटर अटैक करते हैं और चुनावी माहौल में ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं कि विपक्ष बेचैन हो जाता है। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने कहा था, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। कश्मीर पर विवादों की पोटली को उमर अब्दुल्ला ने और वजनदार बना दिया है। उनकी राजनीति तो ऐसे ही बयान से फूलेगी फलेगी, लेकिन कश्मीर में अमन को और आग लग जाएगी। जरा फिर से सुनिए कश्मीर को अलगाववाद के रास्ते पर ढकेल देने वाला ये बयान। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने कहा था, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। उमर अब्दुल्ला के इस कश्मीर प्रेम का राज पूरा देश समझ रहा है। इस वक्त उमर अब्दुल्ला उस कश्मीरियत को हवा दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत विरोध को मजबूत करता है। इसी बहाने कश्मीरी वोट को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी भी क्या कर रही है? उन्होंने कहा है कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। मैं इन महागठबंधन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूं, बंगाल की दीदी बहुत चिल्लाती हैं, आप जरा जवाब दीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथी हैं क्या? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया तो मोदी विपक्ष पर सवाल उछालने लगे, क्योंकि कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, कश्मीर के जरिए हिंदुस्तानियत पर सवाल उठाने की कोशिश है। कभी फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में मंत्री होते थे, कभी महबूबा मुफ्ती की सरकार में बीजेपी हिस्सेदार होती थी, आज दोनों विपक्षी दलों के शुभचिंतक रह गए हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से की रिश्तेदारी झेलम में विसर्जित कर दी है, लेकिन मुद्दे तो मुद्दे हैं। अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे बिना शर्तों के? क्या गजब का विरोधाभास है? बीजेपी पीडीपी नदी के दो किनारों की तरह दूर हो चली है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी महबूबा मुफ्ती को कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्रांतिकारी लगने लगा है। तो क्यों? क्योंकि ये चुनाव है, यही राजनीति है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।